शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु उनके दर्शन करने आते हैं। कहते हैं कि बाबा जितने बड़े भक्त थे वे उतने ही विनम्र और सिद्ध महापुरुष भी थे। आज भी लोग उनसे जुड़ी बातों की चर्चा करते हैं जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुनी हैं। कहा जाता है कि साल 1910 में मुंबई के एक धनी व्यापारी का बेटा बीमार हो गया। उसका काफी इलाज कराने के बाद भी जब वह ठीक नहीं हुआ तो वे उसे साईं बाबा के पास ले गया। मन में ये उम्मीद थी कि शायद इससे कुछ सुधार हो जाए। वह अपने परिवार के साथ शिरडी गया। वहां उसने साईं बाबा को प्रणाम किया और मन ही मन उनसे अपनी पीड़ा कही। बाबा ने भी उसके बेटे की ओर देखा तथा उसे आशीर्वाद दिया। शाम को बालक की स्थिति में काफी सुधार हो गया था। ये देखकर वह परिवार पुनः साईं बाबा के पास गया और उनका आभार जताया। बाबा ने उनसे कहा, सिर्फ परमात्मा ही किसी को जीवन दे सकता है, मेरा क्या सामर्थ्य है। कहा जाता है कि उसके बाद बालक का स्वास्थ्य तेजी से सुधरा तथा प्रसन्न होकर एक दिन उस परिवार ने पुनः घर जाने का फैसला किया। जाने से पहले उनकी इच्छा थी कि एक बार वे साईं बाबा के दर्शन जरूर करें, इसलिए वे उनके स्थान पर गए और उनका आशीर्वाद लेकर घर जाने की अनुमति मांगी। बाबा ने परिवार के मुखिया को 3 रुपए देते हुए कहा, 2 रुपए मैं तुम्हें पहले दे चुका हूँ, इस बार ये 3 रुपए ले जाओ, इन्हें पूजा स्थान पर रख लेना। ईश्वर का ध्यान करना, सदा अच्छे कर्म करना, तुम्हारा कल्याण होगा। उस व्यक्ति ने बाबा को प्रणाम कर वे 3 रुपए ले लिए, लेकिन पूरे रास्ते वह इसी सवाल में उलझा रहा कि बाबा ने मुझे 2 रुपए कब दिए थे, मैं तो आज पहली बार ही इनके दर्शन करने आया हूँ, फिर वे मुझे 2 रुपए कैसे दे सकते हैं। इसी सवाल पर चिंतन करते हुए वह घर आ गया। उसने अपनी वृद्ध माँ से पूरी बात कही। तब माँ ने उसे बताया, बेटा जब तू बहुत छोटा था तो एक बार बीमार हो गया था, तब तेरे पिता तुझे लेकर साईं बाबा के पास गए थे। उस वक्त बाबा ने तुम्हारे सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए तुम्हें 2 रुपए दिए थे। साईं बाबा सिर्फ सिद्ध पुरुष ही नहीं, वे अपने भक्तों के साथ हृदय से जुड़े हुए हैं और इसीलिए वे उनके तन मन और जीवन की सब बातें जानते हैं। अपनी माता के मुख से यह बात सुनकर उस व्यक्ति के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसे इस बात पर पूरा भरोसा हो गया था कि भक्त और भगवान का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। भक्त माया के वशीभूत होकर भगवान को भूल सकता है, लेकिन भगवान उसे कभी नहीं भूलते, विपत्ति में कभी साथ नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, YouTube ट्रेंडिंग को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी बजाएं आने वाले वीडियो को देखने के लिए। तो आइए चलिए देखते हैं आज का वीडियो।